हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है, यानी हिस्ट्री का सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है पाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी जिस काल में कोई लिखित विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु उनको पढ़ने में सफलता नहीं मिली उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जब से लिखित विवरण मिलते हैं यानी इनको पढ़ने में सफलता मिल चुकी है इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आहाड़ जुर्वे आदि आती हैं, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। याद रखिएगा, ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों के विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, यानी इसमें जो है क्रोड़ उपकरण, हस्त कुठार, खंडक और विदारणी मिलते हैं। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें फलक उपकरण। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें तक्षिणी एवं खोरचनी उपकरण पाए जाते हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है, यहाँ से चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरम्पकम से हैंड एक संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। हैंड एक संस्कृति का मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। इस संस्कृति के अन्य उपकरण कलीवर और स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ग्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ग्रूसफुट। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ग्रूसफुट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। रॉबर्ट ग्रूसफुट के मित्र थे जिनका नाम था विलियम किंग। इन्होंने अतिरम्पकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। 1935 ईस्वी में डीटेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीआर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहां 44 यानी 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन उपकरणों का जो निर्माण है क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन जो है पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे, उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब आर्किवाल्ड कर्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। याद रखिएगा, मानव अस्थि पंजर कब से प्राप्त होने लगते हैं, तो मध्य पाषाण काल से ही। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से लघु पाषाण उपकरण जो है, इसका अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहां से 14 मानव कंकाल भी मिलते हैं। मध्य पाषाण कालीन मदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, जहां से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने मदहा के तीन क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र और बुचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, पुरातत्व विमर्श, याद रखिएगा। डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पुरातत्व विमर्श।
इसमें इन्होंने मदहा, सराय, नहर्राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डियों के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवधान ज्ञात हुए हैं। इन शवधानों में से 5 शवधान युग्म शवधान है, यानी एक साथ एक कब्र में एक से अधिक मानव को जो है यहाँ पे दफनाया गया है, और एक शवधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं और इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। बिंद क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में भी हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार अगर बात किया जाए तो लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ। याद रखिएगा, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त हुए। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है और जो बागौर है ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है और इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो 700 से भी अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं भारत में, जिसमें 243 को क्रमांक दिया जा चुका है और इनमें से 133 शिलाश्रयों में जो है चित्रकारी की गई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन जो है नौ पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, खदानों का उत्पादन किस काल में प्रारंभ हुआ, तो नौ पाषाण काल में। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल था वो मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहां से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है और यहां से जो है 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीन के यांगची नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में और राई जो है 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया और जई जो है 2300 ईसा पूर्व यानी 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कूते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्भ आवास के साक्ष्य भी जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डीटेरा एवं पीटरसन ने की थी। इनका नाम याद रखिएगा, डीटेरा और पीटरसन का। और गुफ कराल कश्मीर में स्थित नौ पाषाणिक स्थल है। जो गुफ कराल है कश्मीर में स्थित क्या है, नौ पाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नौ पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से नौ पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सिंगों से निर्मित है। नौ पाषाण युगीन जो है दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई।
नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राह के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास जो है वेलारी जनपद में स्थित संगनकलू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो याद रखिएगा, आग का जो उपयोग हुआ है कब हुआ है, तो नवपाषाण काल की यह जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो नवपाषाण काल याद रखिएगा। देखिए, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर और तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें जो पॉइंट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम जो है ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालात, ओजियान में घरों को जो है चार दीवारी से घेरा गया है और अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति जो है 2100 से 1500 ईसा पूर्व और अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से ये भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहां पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग के चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, इरण, नौदा टोली प्रमुख स्थल है। नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। याद रखिएगा, जो नौदा टोली है ये कहाँ का है, तो जो नौदा टोली है किसके लिए विशेष है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ठीक है। नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है और इसका उत्खनन किसने करवाया था, HD संकालिया ने। यहां से मिट्टी, बांस, फूस के बने चकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथ जो संस्कृति है या कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर जो है हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां जो है मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति जो है अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले, इसमें जोरवे, निवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जुर्वे संस्कृति जिसका समय है 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं और अब तक ज्ञात 200 जुर्वे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। निवासा जो जुर्वे संस्कृति स्थल है, इससे पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टोटीदार पात्र परंपरा जुर्वे संस्कृति की विशेष पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो जुर्वे संस्कृति के निवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा के घरों में, उस उत्तर से दक्षिण दिशा में जो घर थे इनके फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, जो मृतक थे इनको अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दबाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से, तो याद रखिएगा, इमाम गांव आदि पूरा स्थलों में। और कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान जो है यहाँ पे मिले हैं। आरंभिक जो ताम्रपाषाण अवस्था है, आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था, इसके ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर जो है चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले जो है मकान मिले हैं। जो है पश्चात की अवस्था यानी 1300 से 1000 ईसा पूर्व, इसमें जो है 5 कमरों वाला एक मकान मिला है
जिसमें चार कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से भी अधिक जो है घर, यानी एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो 100 से अधिक घर दिया गया है, और अन्य साक्ष्यों के संदर्भ में बात करें तो इनाम गांव में जो है 130 से अधिक घर जो हैं और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यहां बस्ती जो है किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहां शिल्पी जो है या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहां से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले के पांडु राजा डीबी और बीरभूम जिले में महिष दल, याद रखिएगा महिष दल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अनंत रहने वाले ताम्र प्रसाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहां से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्र पाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, एस्टेटाइट और क्वार्टर्स क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के, जो याद रखिएगा जो पत्थर थे, जैसे वे कार्नेलियन, एस्टेटाइट और क्वार्टर्स क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, यानी काटना बुनना जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और समेल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी के मूर्ति, यानी जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। तो ये सब जो है, जैसे इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने के मिट्टी के मूर्तियां बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के वृषभ मूर्तिकाएं एवं सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और निवास बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में समान के तौर पर जो है कुछ बर्तन पात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण के दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्वी पश्चिम के दिशा में रखा जाता था। तो याद रखिएगा, जो मृतक थे महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण के दिशा में रखे जाते थे, किंतु दक्षिण भारत में पूरा पश्चिम के दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान यानी एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान यानी फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि जो है मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में जो है तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में एस्टेटाइट और कार्नेलियम जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में क्षेत्रीय ताम्रपट्टी के सिकर झुंझुन क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के जो है साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा जो है चरवाहा संस्कृति का भी अधिक प्रमाण मिला है। ठीक है, और इसके बाद जो दो तीन पॉइंट और है, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, याद रखिएगा इनका नाम, 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न जो है पूछे जाते ही है, और ये प्रश्न जो अलेक्जेंडर कनिंघम से संबंधित जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा भी जा चुका है। भारत में 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरास्थल सर्वेक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया, और 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था।
1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे क्या थे, तो पहला प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, तो बताइए। शुरू में ही हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया था, मैंने बोला था वहीं पर कि इनका नाम याद रखिएगा, ये किसके लिए जाने जाते हैं। देखिए इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार अगर बात करें, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जो कि हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया है। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः जो है इस प्रश्न का उत्तर विकल्प जो है ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, ए और बी दोनों याद रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, इसका सही जवाब क्या है, किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, सही है थॉमसन ने, ए ऑप्शन। देखिए डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमस ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। आदमगढ़ कहां पे है, तो मध्य प्रदेश, और बागौर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर, मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है आदमगढ़। दो स्थान है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आपको मालूम है हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो है आपका मदहा और सराय नहराय से। तीन जगहों का हम लोगों ने जिक्र किया था डिस्कशन के दौरान। देखिए पाषाणकालीन मदहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा मदहा में तीन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र है, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। ये बटा था बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी जो है अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, सही जवाब होगा सराय नहर राय से और मदहा से। सेवन नंबर क्वेश्चन है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं वो कहां से? एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल का जो साक्ष्य मिला है वो है आपका दमदमा से, बी ऑप्शन। देखिए मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, मदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान है, यानी एक कब्र में एक से अधिक मानव को दफनाया गया है, और एक सावधान में 5 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। देखिए 5 सावधान युग्म सावधान यानी जो एक साथ, मतलब कि इनका जो युग्म है एक साथ है, और तीन मानव कंकाल जो है एक सावधान में, तीन मानव कंकाल जो है एक साथ दफनाए हुए हैं, शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? तो सही जवाब होगा नौ पाषाण काल में। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नौ पाषाण काल में हुआ। यही वो समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से जो है परिचित हुआ, तो याद रखिएगा नौ पाषाण काल। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, जो होशंगाबाद जिले में है,
यहां पर जो है यहाँ हथनौरा नामक पुरातत्व से प्राप्त हुआ और इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण, याद रखिएगा, अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपको मालूम ही होगा सही जवाब क्या है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो सही जवाब है नर्मदा घाटी, सी ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। आधुनिक मानव समाज के द्वारा मुख्य रूप से 8 खदानों का उपभोग किया गया है, जो जौ है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है, जिसे बाली कहते हैं, 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव के द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में जो है 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं यानी व्हीट की भी जो है उगाया जाने का लगभग जो है उगाया जाने लगा है, जो कि साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो गेहूं याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? तो सही जवाब है लहुरा देव से। देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला जो स्थल है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और यहां से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है वह कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित, यहां से जो है 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्वी की भांति जो सॉरी इसका जो है लहुरा देव न होने के कारण जो विकल्प में जो दिया गया है तो उत्तर पूर्व के भांति वही होगा, क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब है लहुरा देव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सेम क्वेश्चन सेम जवाब, सही जवाब होगा मेहरगढ़ से। ठीक है, इसके बारे में ऊपर में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, मेहरगढ़। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, कमेंट करा कीजिए, और कुछ डाउट हो तो आप हमसे जो है क्लियर कर लिया करिए कमेंट कर कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब होगा मेहरगढ़, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से बताइए? सही जवाब होगा मेहरगढ़ से, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, सही जवाब होगा मेहरगढ़। ठीक है, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट किया करिए। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि जो है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 700 ईसा पूर्व में है। जबकि किल्ली गुल मोहम्मद, याद रखिएगा, किल्ली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है, तो डी उत्तर सही होगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो सही जवाब होगा बागौर। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जिक्र किया है, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं,
पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो सही जवाब है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है मेहरगढ़। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 21 नंबर है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? सही जवाब है एडी संकालिया ने। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एडी संकालिया ने कराया था। यह स्थल जो है इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित जो है ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि जो है 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिश समाधि, पिट सर्किल, कर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहर आदि। 24 नंबर क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का जो टीला है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए कर्नाटक में मैसूर के पास वेलारी जनपद में स्थित संगनकलू नामक नौपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा संगनकलू। 25 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है भीमबेटका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्नों में पूछे जा चुके बहुत बार जो ये क्वेश्चन है एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को जो है पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा भीमबेटका, बी ऑप्शन। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है? सही जवाब है अब्दुल्लागंज रायसेन, डी ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बताइए सेम क्वेश्चन सेम जवाब, इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब है भीमबेटका के गुफा से, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? सही जवाब होगा वी एस वांगककर, यानी सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका का प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी एस वांगककर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था? गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट
मृद भांड के नमूने के कारण गेरुवड़ी गैरिक मृद भांड संस्कृति जिसे ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृद भांड प्राप्त किया था और वही इसका जो है नामकरण हुआ। 31 है ताम्रस में काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर को जो है मैं फिर से इस प्रश्न को दोहरा देता हूं ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कभी कभी जल्दबाजी में जो टंग है इधर उधर हो जाते हैं तो डोंट माइंड। ठीक है, ताम्रस में काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? सही जवाब है उत्तर से दक्षिण की ओर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो जुर्वे संस्कृति है इसके नेवासा दैमाबाद कोठे चंदोली इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दबाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में जो कब्र है यहाँ पे मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर देखिए, हंडिया मतलब क्या? मिट्टी की हड्डिया वो नहीं, मिट्टी के बर्तन जिस हड्डिया कहते हैं, हंडी जो मिट्टी के जो क्या होते हैं, जो मिट्टी के वो पात्र होते हैं इनको बोलते हैं हंडिया। ठीक है, जिसे घड़ा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब होगा बुर्जहोम, बी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ, ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नौपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी जो है सावधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। 33 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा बुर्जहोम। 34 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? तो गर्त आवास के साक्ष्य जो है बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सही जवाब होगा लेखैया से। डॉक्टर जो जेएन पांडे हैं, जयनारायण पांडे, इनके पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श, इनके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश शत विशत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। 36 है, अभिकथन एक रेखा विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्धन किया, कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसका सही जवाब होगा देखिए ए ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए जो जी आर शर्मा है इन्होंने सराय नहर राय में खुदाई के बाद अवधारणा दी कि जो नूतन भूतल काल है इसके अंत में सूखे के कारण विध्वंस क्षेत्र में भोजन के कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका समय 1814 से 1893 ईस्वी, इनको जो है ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, उन्हें ही जो है भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 39 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? सही जवाब है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिनका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पर
या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, या कम्युनिटी पर भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और घटना चक्र की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।